अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं smoosher.com का यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको 25 के बजट के अंदर गेमिंग बिल्ड बताएंगे। जी हाँ, 25,000 के अंदर आप कौन कौन से कंपोनेंट यूज करके गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं, वो भी स्मूथ मीडियम और हाई लेवल की गेमिंग खेलने के लिए आप एक 25,000 के बजट के अंदर अच्छी बिल्ड कर सकते हैं। इस बिल्ड में जो हम कंपोनेंट यूज करेंगे उनकी प्राइस और उनकी डिटेल के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस पे कौन कौन सी गेम और कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा के इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाले हमारे इस चैनल की तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जो कंपोनेंट यूज करेंगे उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बताता हूं उनकी डिटेल। इस वीडियो में हम जो कंपोनेंट यूज करने जा रहे हैं 25 के बजट के अंदर जो चीजें हम यूज करेंगे उसमें हम मदरबोर्ड यूज करेंगे सेकंड जनरेशन का। ये सेकंड जनरेशन का हम जो है मदरबोर्ड यूज करेंगे। इस पे आप i3 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर यूज कर सकते हैं, i5 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर यूज कर सकते हैं और आप इस पे i7 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसकी बायोस अपडेट कर लें या हम आपको इसकी बायोस भी अपडेट करके देंगे, क्योंकि इंटेल का मदरबोर्ड है, इस पे अगर आप बायोस अपडेट कर लेते तो आप इस पे थर्ड जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसेसर की तरफ चलते हैं। जो इस जो है बिल्ड में हम प्रोसेसर यूज करेंगे वो i5 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर यूज करेंगे जो हम इस बिल्ड के अंदर यूज करेंगे। इसके बाद हम इनमें जो रैम यूज करेंगे वो 8 4 4 GB की दो रैमें यूज करेंगे, वो 8 GB की रैम हम इसमें यूज करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो हार्ड ड्राइव यूज करेंगे उसमें सबसे पहले हम SSD की बात करते हैं, तो हम इसमें 1 to 8 GB SSD यूज करेंगे। ये 1 ईयर वारंटी के साथ न्यू SSD होगी। फिर इसके बाद हम इसमें जो हार्ड ड्राइव यूज करेंगे वो 500 GB जो HDD हम यूज करेंगे। इसके बाद हम इसमें जो ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे वो 1 GB DDR5 1 to 8 bit ग्राफिक कार्ड होगा। ये GTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड होगा। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो सबसे बेस्ट होगा हम आपको वो ग्राफिक कार्ड लगा के देंगे। इस वक्त जो मेरे पास ग्राफिक कार्ड है वो GTX 450 ग्राफिक कार्ड है। अगर इससे भी कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड हुआ तो हम इसी बजट में आपको वो यूज करके देंगे। अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास कोई इससे अच्छा या इससे मतलब के बराबर का कोई ग्राफिक कार्ड हुआ इस बजट में तो भी हम आपको यूज करके देंगे, क्योंकि आप हमारे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर हैं, तो इस वजह से हम जो है आपके लिए बहुत सारी फेवरेट्स लेके आते हैं अपनी वीडियोस में। इसके बाद हम इसमें जो केस यूज करेंगे वो बिल्कुल ब्रांडेड केस यूज करेंगे। जो बाहर से इंपोर्टेड आते हैं सिस्टम उनके साथ जो केस आते हैं वो वाला केस हम यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई गेमिंग केस यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास 6000 से लेके 14000 तक गेमिंग केस पड़े हैं फर्स्ट प्लेयर के। आप उनमें से भी कोई केस यूज कर सकते हैं, उसके आप बजट उसमें अपने बिल्ड के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो हम इसमें पावर सप्लाई यूज करेंगे, हम आपको एक ही दफा 500 वाट की पावर सप्लाई लगा के देंगे, क्योंकि अगर कल को आपको ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना पड़ता है इसी बिल्ड के अंदर तो आप इस पे 8 GB तक का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। तो इसलिए हम जो है सप्लाई उसी हिसाब से उस बजट में आपको मैनेज करके देंगे कि कल को आपको अगर ग्राफिक कार्ड भी अपग्रेड करना पड़ता है तो आपको सप्लाई के पैसे खर्च ना करने पड़े। तो 500 वाट की इसमें पावर सप्लाई हम यूज करेंगे। तो हम इन अब हम इन कंपोनेंट की प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो मदरबोर्ड हम इसमें यूज करेंगे, इंटेल का मदरबोर्ड है सेकंड जनरेशन का। ये सेकंड और थर्ड जनरेशन सपोर्टेड होगा इंशाल्लाह, और इसकी प्राइस जो है वो आपको मिलेगी 4500। 4 RAM स्लॉट में है, ठीक है। इसमें आप रैमें भी इंक्रीज करना चाहें तो आप इसमें रैम्स भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसकी रैम स्लॉट 4 हैं।
इसके बाद जो हम इसमें प्रोसेसर यूज करेंगे वो i5 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर है, वो आपको i5 सेकंड जनरेशन 2400 प्रोसेसर जो है वो मिलेगा, वो 4500 में यूज करेंगे हम, वो 4500 का है। इसके बाद जो हम इसमें 8GB रैम यूज करेंगे, 4GB की दो रैम स्लॉट यूज करेंगे, ये आपको 4000 में दो रैम मिलेंगी। इसके बाद हम जो SSD इसमें यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 to 8 GB SSD न्यू में यूज करेंगे तो इसकी प्राइस आपको मिलेगी 3500 और विद 1 ईयर वारंटी मिलेगी। इसके बाद जो हम इसमें हार्ड ड्राइव यूज करने जा रहे हैं वो 500 GB हार्ड ड्राइव है HDD, इसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में 1900 है, लेकिन हम आपको 1500 यानी 1500 में ये हार्ड ड्राइव देंगे इस बिल्ड के साथ। फिर इसके बाद जो हम इसमें ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे 1GB DDR5 1 to 8 bit GTX सीरीज का, उसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में 7000 है, लेकिन हम आपको 6500 में इस बिल्ड के साथ ये ग्राफिक कार्ड देंगे। फिर इसके बाद जो हम इसमें 500 वाट की पावर सप्लाई यूज करेंगे गेमिंग, उसकी प्राइस इस वक्त मार्केट में 2000 से 2500 है, लेकिन हम आपको इस बिल्ड के साथ 1500 में देंगे। और बिल्कुल ये केस जो इसके साथ हम यूज करेंगे बिल्कुल फ्री में आपको देंगे, ब्रांडेड केस। और इसके इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अलावा अगर आप गेमिंग केस यूज करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी और अपने बजट के हिसाब से आप उस पर लगा सकते हैं, बजट आप यूज कर सकते हैं, ये सारे कंपोनेंट वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं गेमिंग केस के अंदर। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी बिल्ड, अगर आपको ये बिल्ड और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके नीचे कमेंट्स देना ना भूलिएगा। और अगर आप ये बिल्ड बाय करना चाहते हैं तो हमारे नीचे नंबर आ रहे हैं, आप हमसे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी पे आपको ये प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके डोरस्टेप पे ये प्रोडक्ट आएगी तो ही आपने पे करना है। तो इसके अलावा या ये बिल्ड या इसके अलावा कोई बिल्ड आप बाय करना चाहते हैं, कोई ग्राफिक कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप तब भी हमसे इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें, हमें कॉल करें, इंशाल्लाह हम आपके जो है क्वेश्चंस का आंसर जरूर करेंगे। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।